भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार हो चुकी है। इसका इलाज आम आदमी के बूते से बाहर है। यही कारण है कि लोगों के बीच बढ़ते रोष के कारण अधिकांश राज्य सरकारों ने कोरोना के इलाज पर खर्च की सीमा तय की है। लेकिन अब भी ये इतना महंगा है कि अगर घर का एक सदस्य भी इसकी चपेट में आता है तो 80% परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन भी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है तो उसका बिल उसके परिवार के मासिक खर्च से कई गुना ज़्यादा होगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल्स ऑफिस की 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति खर्च दिल्ली में है। यहाँ 80% आबादी का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 5,000 रुपये से कम है, यानी 5 लोगों के परिवार में यह 25,000 रुपये बैठता है। लेकिन दिल्ली में सबसे सस्ता आइसोलेशन बेड का 10 दिन का खर्च 80,000 रुपये है। यह 80% आबादी के मासिक खर्च से 3 गुना से भी ज़्यादा है। कोरोना की वजह से कोई मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है तो उसके इलाज का बिल कई लाखों में हो सकता है, क्योंकि उसे ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 20 राज्यों में आइसोलेशन बेड्स, वेंटिलेटर्स के बिना और वेंटिलेटर के साथ ICU बेड पर आने वाले खर्च और उन राज्यों में प्रति व्यक्ति खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके मुताबिक इलाज के खर्च की सीमा तय किए जाने के बावजूद ये 80% परिवारों के बूते से बाहर है। सभी राज्यों में कोरोना का इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है, लेकिन नॉन कोविड के दौर में भी केवल 42% मरीज ही सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं। सरकारी अस्पतालों से रेफर किए गए मरीजों और सरकारी हेल्थ स्कीमों के तहत आने वाले मरीजों के लिए इलाज पर खर्च की सीमा तय की गई है। हालांकि रसूखदार लोगों को ही सरकारी से निजी अस्पतालों में रेफर किया जाता है। तेलंगाना, कर्नाटका और उड़ीसा जैसे राज्यों में सभी मरीजों के लिए प्राइस कैप लागू है, लेकिन अलग अलग राज्यों में PPE, MRI, दवा की लागत, स्पेशलिस्ट चार्ज अलग अलग है। निजी अस्पताल भी प्राइस कैप को चकमा देने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। दिल्ली जैसे कई राज्यों में प्राइस कैप को लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।